शांति। आज की तारीख है 11/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। अब इस सृष्टि रूपी नाटक का समय पूरा हुआ और हम सभी एक्टर्स को वापस अपने परम धाम घर में जाने का समय आ गया। बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं तो अब हम बच्चों को घर चलना है। तो घर ले जाने वाले मीठे मीठे प्यारे परम पिता परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? ऐसी पावरफुल स्मृति जो सभी दुखों से मुक्त करे, तो हर्षित रहने की युक्ति क्या है? दुख से मुक्त होंगे तो हर्षित रहेंगे, तो वो युक्ति क्या है? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में तो विघ्न आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो हर्षित रहेंगे। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। सबका धनी सबका मालिक कौन है? एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो कहते हैं पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन रखना नहीं है। किस बात का? धन की लेन देन का कनेक्शन आपस में नहीं करना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। क्यों अटैचमेंट नहीं होती? क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। अब क्या करना है? सभी अपने को देख लें और सोचें कि गृहस्थी बन के रहना है या घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहना है। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है आज का, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।